हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और उसके साथ ही मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहती हूँ कि हम लोग जो है नेट के लिए जो है एक स्पेसिफिक चैनल जो नेट के स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। थोड़े दिनों के अंदर क्या है कि एक चैनल जो है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे जो टीम है वो क्रिएट की है, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो है नेट के साथ रिलेटेड जो है थ्योरी के नोट्स भी प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ ही क्या है कि आपको MCQ की भी तैयारी करवाएगी। और उसी तरह ही मैंने एक ग्रुप जो है लेट्स क्रैक दी नेट जो है बनाया है, जिसके अंदर मैं भी नेट के साथ रिलेटेड जो है जितनी मुझे लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसके अंदर करूँगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है लर्निंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग, जिसको हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। और जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा इसके रिटन मटेरियल जो है आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे ये एफर्ट जो है अच्छा लगा तो इसको लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है कवर करने जा रहे हैं। लर्निंग क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, फीचर्स क्या है लर्निंग के, लर्निंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है डोमेन्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या हैं, लर्निंग इवेंट्स के एलिमेंट्स क्या हैं और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू जो है लर्निंग और लर्नर्स क्या होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर क्या है कि हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, जैसे एडोलेसेंट लर्नर है तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर अडल्ट लर्नर है तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम सेकंड वीडियो के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है। देखो, लर्निंग जो है एक रिलेटिवली चेंज इन द बिहेवियर डैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग के अंदर क्या है कि हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस इस वजह से आती हैं कि जो हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और लर्निंग जो डेफिनेशन है इसके 3 एलिमेंट है कि देखो, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं और ये चेंजेस जो होती हैं बेटर भी हो सकती है, वर्स भी हो सकती हैं। और ये जो चेंज है, क्योंकि हम जो सीखते हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और देखो, अगर ये चेंजेस हमारी ग्रोथ या मैच्योरेशन की वजह से हैं तो ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग हमेशा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमने क्या सीखा, और ये जो चेंज इन बिहेवियर है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो उससे हमारा बिहेवियर जो है मॉडिफाई होता है और ये जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं ये परमानेंट होती हैं और ये काफ़ी समय तक टिकी रहती हैं। लर्निंग, क्योंकि जितने भी देखो ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो लर्न करती हैं और इंडिविजुअली जो है हमेशा एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करता रहता है, एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता रहता है। और यही जो एनवायरनमेंट के अंदर जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है उससे उसका बिहेवियर जो है चेंज होता है, मॉडिफाई होता है। स्किनर कहते हैं कि जो लर्निंग है जिसको हम प्राप्त करते हैं और जिसको हम रिटेन करते हैं, रिटेंशन से क्या होता है कि हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आती हैं। जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो उस स्किल को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो लर्निंग जो है डैट इज़ द एक्विजिशन एंड रिटेंशन। गार्डनर मर्फी सेज द टर्म कवर्स ईच मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कि जो लर्निंग है जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही हैं उसके मुताबिक अगर हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं तो डैट इज़ लर्निंग। कैंसले एंड गैरी कहते हैं द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ऑर्गेनाइज और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, कि देखो जो प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने बिहेवियर को सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं डैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। अब हमने लर्निंग का मतलब सीख लिया। लर्निंग का मतलब होता है कि जो हमारे बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन आती है, चेंजेस आती है तो उससे, और वो परमानेंट रहती है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग देखो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक सांस है तब तक हम सीखते रहते हैं। और ये लर्निंग जो है फॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल होता है कि जब हम जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं या कोई वर्कशॉप लगाते हैं। इनफॉर्मल होती है कि जब हम हमारा किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस होता है उससे हम सीखते हैं। डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो देखो, जो लर्नर है जब वो लर्न करता है तो उसकी नॉलेज
डेवलप करता है, कोई स्किल सीखता है, कोई हैबिट डेवलप होती है, उसका कोई एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति फेवरेबल अनफेवरेबल एप्टीट्यूड एबिलिटी जनरेट होती है। लर्निंग जो है डैट इज़ द चेंज इन बिहेवियर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे सिखाया जाता है स्कूल के अंदर कि हमने किसी की चीज़ नहीं उठानी, तो यहाँ पे क्या है कि हमें लगता है कि दूसरे की चीज़ को हमने टच नहीं करना। तो लर्निंग जो है डैट इज़ द चेंज इन बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। और लर्निंग के अंदर क्या है कि कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड कॉनेक्टिव, जिसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है। लर्निंग जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है, एवरी बॉडी लर्न्स, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। लर्निंग के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जब टीचर जो है क्लासरूम के अंदर आता है, जैसे वो आज जैसे मैट्रिसेस सिखाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आज उसने मैट्रिसेस की नॉलेज आपको देनी है। या एलिमेंट्री लेवल पे क्या होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाता है, तो जो भी वो सिखाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि टीचर को स्टूडेंट्स को आज हमने ये सिखाना है। लर्निंग जो है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। जैसे छोटे होते हैं तो पहले देखो हम चलना फिरना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल के अंदर जो है अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस की फॉर्मेशन सीखते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी लर्निंग की जो है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होती जाती है। लर्निंग जो है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस से भी आती है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारा न्यू एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो स्टोव पे कोई चीज़ रखा है उसको हाथ लगाता है तो वहाँ से उसको गर्म का एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस से सीख जाता है कि जो चीज़ गैस पे पड़ी होती है वो गर्म होती है, उसको नहीं टच करना। बिहेवियर ऑफ द लर्नर जो है, जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो उससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है। और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है उससे भी क्या होता है कि हम नई चीज़ें सीखते हैं। लर्निंग अकर ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। देखो लर्निंग के लिए क्या है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और जो एनवायरनमेंट से, क्योंकि हम जो इंट्रैक्शन करते हैं तो एनवायरनमेंट से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चलती हैं। और जो लर्निंग है डैट हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखो जो लर्निंग का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना होता है, और जो लर्नर होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये वो चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए, वो चीज़ उसकी सीखनी चाहिए। लर्निंग जो है डैट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन दी स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। जैसे पर्सन जो है उसको हम तभी मानते हैं कि ये लर्नर्ड पर्सन है अगर जो उसने काम सीखा हुआ है उसके मुताबिक काम करता है। अगर हम किसी चीज़ जब हम जो टीचर है अगर वो सिखाता है कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, और जो स्टूडेंट है अगर वो उस चीज़ को वैसे करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली इट मींस कि हमारा जो रिएक्शन है, हमने उस चीज़ को सीख लिया, अब हम नए मेथोडोलॉजी से उस काम को कर रहे हैं। द लर्निंग जो है डैट इज़ रिक्वायर्ड इन वन सिचुएशन इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग टू सम अदर सिचुएशन। जो हम सीखते हैं और दूसरी सिचुएशन के अंदर हम सीखी हुई चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं, बट इसके अंदर ये भी होता है कि जब हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो जो पुरानी चीज़ें हमने सीखी होती है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नई चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम होगी। लर्निंग जो होती है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, हमारी जिज्ञासा क्या है, हमारी लर्निंग के प्रति परसेप्शन क्या है, हमारा पर्सनैलिटी क्या है, और लर्नर का एटीट्यूड पॉजिटिव है लर्निंग के प्रति के नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें जो है लर्निंग को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी डोमेन्स ऑफ दी लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन, देखो कॉग्निटिव होता है नॉलेज, कि इंडिविजुअल जो है उसका सोचने का प्रोसेस क्या है, मेंटली इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंसी कैपेसिटीज़ क्या है। जब वो लर्न करता है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, मेंटल सोचने का नज़रिया जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। और यहाँ पे देखो जब वो एजुकेशन लेता है तो ये भी डेवलप हो जाता है। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या है कि नॉलेज आती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उसका थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है, कैपेसिटी जो है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम किस तरह से नॉलेज को ग्रहण करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसका जो है उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उससे क्या नतीजा निकला है। इफ़ेक्टिव डोमेन जो होता है कि जो हमने सीखा है उसके प्रति हमारी फीलिंग क्या है, किस तरह से वो इमोशनली हमें जो है इम्पेक्ट कर रही है। जैसे
जैसे हम इफेक्टिव का मतलब होता है कि किस तरह से हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है, गुस्से का, नफरत का, प्यार का या फोबिया का। तो इफेक्टिव के अंदर भी क्या है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को, जब हमें कोई चीज़ बताता है, उसको रिसीव कैसे करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको हम अपने बिहेवियर के अंदर, फीलिंग के अंदर किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कोनेटिव डोमेन जो है इंडिविजुअल मोटर एबिलिटी के, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि जब पर्टिकुलर चीज़, जैसे मशीन है तो उसको हमने ऑपरेट कैसे करना है, गेम है तो उसको कैसे चलाना है, ताकि हमारी जो मोटर एबिलिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, वो सिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द लर्निंग। मोटर लर्निंग, देखो जो रूटीन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, और इनके अंदर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये सारी डे टू डे, क्योंकि लाइफ जो रूटीन में हम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, स्टेयर पे चढ़ते हैं, तो ये सारी मोटर लर्निंग होती है। वर्बल लर्निंग होती है जिसके अंदर जो भाषा हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे साइन यूज़ करते हैं या पिक्चर यूज़ करते हैं या सिंबल यूज़ करते हैं या वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन के अंदर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट लर्निंग जो होती है हाईएस्ट ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी सोचने की एबिलिटी, आर्गुमेंट देने की एबिलिटी, इंटेलिजेंसी, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम चीज़ को लर्न करते हैं, जनरलाइजेशन का अर्थ होता है कि हम उसको जब अप्लाई करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो देखो हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो उसको पता चलता है कि जो एप्पल है वो एक फल का नाम है। तो लर्निंग जो है जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसके बेसिस पे क्या है कि हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है। जैसे देखो व्हीकल्स की आवाज़, साउंड से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बस की आवाज़ है, ये कार की आवाज़ है या एम्बुलेंस की आवाज़ है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स का अर्थ होता है कि जिसके अंदर हमें लॉजिक सिखाया जाता है, ये दो या दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या रिलेशन है उसको बताया जाता है कि इनको हमने कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर हमने सेंटेंस बनाने हैं तो ग्रामर कैसे यूज़ करनी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो किस तरह से हम साइंस और मैथमेटिक्स के फंडामेंटल जो है सीख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या है कि हाई ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो हमने सीखा हुआ है उसको हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एटीट्यूड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जिससे हमारा एटीट्यूड इफेक्ट होता है। एटीट्यूड जो है किसी चीज़ के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल, जब हम व्यक्त करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है, तो वहाँ पर वी आर शोइंग आवर एटीट्यूड। अब हम देखते हैं कि लर्नर का अर्थ क्या होता है। देखो लर्नर होता है जो सीखता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को किस तरह से करना है। जो लर्नर है ये, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पे हम लर्नर होते हैं, और जो अच्छे लर्नर्स होते हैं उनके पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होती। दे आर ऑलवेज क्यूरियस। जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि दे आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो उसी तरह जो अच्छे लर्नर्स होते हैं क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, और वो उनको पता है कि जो लर्निंग है उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वहाँ पर वो अपनी जो है लर्निंग से वो खुद की थ्योरी भी बना लेते हैं और वो शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लर्नर है, डैट इज़ ए पर्सन हु वांट्स टू लर्न समथिंग, ही वांट्स टू लर्न सम स्किल, हु वांट्स टू लर्न सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द लर्निंग इवेंट। लर्नर होना चाहिए, जब हमने किसी को सिखाना है तो वहाँ पे लर्नर का होना ज़रूरी है, क्योंकि लर्नर जो होता है कि जो उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, जिसके बेसिस पे वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जो भी वो सीखता है उसको कैसे यूज़ कर सकता है। स्टिमुलस हो सकता है कि जिसके बेसिस पे लर्नर जो है, जैसे अगर हमने कोई चीज़ समझानी है तो हम जैसे पीपीटी दिखाते हैं, तो पीपीटी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको वो कैसे ग्रहण करता है। इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर कि उसकी परसेप्शन क्या है, कि वो कैसे सोचता है, क्या वो लर्न करना चाहता है, क्या उसका उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो होती है लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, और उसी के बेसिस पे वो जो सीखता है उसका एक्शन और रिएक्शन क्या है।
लर्नर जो होते हैं, देखो बहुत सारे उनके अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर क्या है कि लर्नर्स के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल जो होता है दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। तो टीचर को जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो लर्नर्स हैं उनके अंदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि डिफरेंट लर्नर जो होते हैं उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर भी क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कई जल्दी सीख जाते हैं, कई स्लो होते हैं, कईयों को समझ ही नहीं आता, तो कई कई बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो ये टीचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे क्या है कि इंस्ट्रक्शन प्लान जो है उसको डिवाइस करना पड़ेगा ताकि लर्निंग जो है ईजी हो सके। तो जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर है, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जो है डेमोग्राफी के हैं कि वो एज क्या है उसकी, किस लेवल पे है, एडोलेसेंट है, अडल्ट है, जेंडर क्या है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, मैच्योरिटी लेवल कितना है, कौन सी लैंग्वेज वो जानता है, क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, और उसकी कोई डिसेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लर्नर की पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी लर्निंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। और उसी तरह एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स की, जैसे उसकी एजुकेशन टाइप क्या है, एलिमेंट्री है, हायर है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन लेवल क्या है, नॉलेज क्या है। और उसी तरह कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो लर्नर है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीखने वाला है उसका मेमोरी कितना शार्प है, रिटेंशन कितना है, कितनी जल्दी वो एक्वायर करता है, मेंटली कितना अलर्ट है, प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करता है, उसके अंदर चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, चीज़ों को स्टोर करने की क्षमता कितनी है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर है जो कि उसकी लर्निंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी वाला पार्ट जो है हम सेकेंड लेक्चर के अंदर जो है करेंगे।